तो देखते हैं आज की खास खबर। मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 शराब कारोबार में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हरियाणा से मैनपुरी खपत के लाई गई शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली 4000 लीटर स्प्रिट भी बरामद की है। एक कैंटर, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक बेलेरो और एक बिना नंबर की अपाचे और एक तमंचा और कई जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दबिश देने गई पुलिस और आरोपियों के बीच में जमकर गोलीबाजी भी हुई, जिसके दौरान 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। भागे हुए आरोपियों की पहचान कर पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। तो देखते हैं अरुण सक्सेना की ये रिपोर्ट। आज हमारी सर्विलांस स्वाट टीम और भारतीय पुलिस रेक्टिफाइड स्प्रिट मिली है, जो इतनी बड़ी रिकवरी और इतना कंसंट्रेशन में शायद पहली बार रिकवर हुआ है। 96% की उसमें उस ग्रेविटी है, लगभग 100% प्योर माल से मिली है, रिकवर हुआ है। 50 लाख की शराबबंदी की मार्केट में आती हुई आज पुलिस को बहुत सफलता मिली और हमने सिंडिकेट की कमर खोलने में पूरा प्रयास करेंगे। 7 घंटे आइए कार में मौके से फरार हो गए और एक व्यक्ति जो सिंडिकेट का सरगना तो नहीं कर सकता, बट वो जो असली डीलर है जो हरियाणा का रहने वाला है वो भी हमारे संज्ञान में शराब के अवैध शराब पर अंकुश लगाने का हमारा प्रयास है। इसमें हमारी अगली कड़ी है, अगला कदम है और तेजी से अभियान चलाते हैं। सर उसमें और क्या क्या